हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अलियनवर कुरैशी, और आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों, हम एंटीबायोटिक्स के सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और आज मैं जिस एंटीबायोटिक के बारे में बात करने वाला हूं, ऑफकोर्स वो पेनिसिलिन ग्रुप का है, और उसके साथ बीटा लैक्टम्स की भी हम बात करेंगे। पिछले बार मैंने पेनिसिलिन ग्रुप के बारे में वीडियो बनाया है, तो आज जो है मैं एक बहुत ही अच्छे टैबलेट के और कैप्सूल के बारे में, एक कंटेंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। उस कंटेंट का नाम है एमोक्सिलिन, एमोक्सिलिन हाइड्रोक्लोराइड इस कंटेंट का नाम है फ्रेंड्स। आपने ये जो कंटेंट है, ये एक बहुत ही बेस्ट ऐसा कंटेंट है फ्रेंड्स, और ये टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में मिलता है फ्रेंड्स, डेफिनेटली। तो आज इस टॉपिक की हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एमोक्सिलिन, एमोक्सिलिन जो है एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन ग्रुप का, और इसका यूज़, इसका डोज, इसका रोल, और कैसे कैसे काम करता है, हम आज डिटेल बात करेंगे फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अलियनवर कुरैशी, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को, हेल्थ कंसल्टेंट को, सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू का बेल आइकन दबाइए फ्रेंड्स, और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। तो आज जिस एक कैप्सूल की बात करने वाला हूँ, अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो है एलमॉक्स कैप्सूल है, ये एलमॉक्स कैप्सूल है, ये अल्केम कंपनी की ये कैप्सूल है फ्रेंड्स, और इसमें इसका जो कंटेंट है, ये 500 mg एमोक्सिलिन इसमें रहता है फ्रेंड्स। ओनली प्लेन एमोक्सिलिन का ये कैप्सूल है फ्रेंड्स, अल्केम कंपनी का। इसमें 250 mg का भी कैप्सूल आता है, जो कि हम बच्चों में देते हैं, कि जो 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनमें हम एमोक्सिलिन 250 mg वापरते हैं, और 10 साल के ऊपर जो होते हैं या 14 साल के जो ऊपर होते हैं उनमें 500 mg का हम एमोक्सिलिन वापरते हैं फ्रेंड्स। बेसिकली यह सिटीज एंटीबायोटिक, और इसका यूज़ क्या है फ्रेंड्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, GI ट्रैक्ट, और मोस्टली यूरिनरी ट्रैक्ट में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताऊँगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे कि राइनाइटिस है और कफ है, जैसे कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कफ आता है, कफ है, अस्थमा है, राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, ऐसे जो अलग अलग प्रकार के आज़ार हैं उनमें जो है एमोक्सिलिन जो एंटीबायोटिक है बहुत अच्छा काम करता है फ्रेंड्स। और इसके साथ जो है एमोक्सिलिन जो है ये एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में, मैंने बताया था आपको, अल्सर जो रहता है पेट का उसमें भी ये काम करता है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन को ये किल करता है फ्रेंड्स एमोक्सिलिन। तो अल्सर में जिसमें हम एच पाइलोरी किट जिसका नाम बताते हैं, उसमें एमोक्सिलिन एक है, और ओमेप्राजोल एक रहता है, और उसमें टिनेडाजोल एक रहता है फ्रेंड्स। ऐसे तीन कंटेंट्स मिलके वो जो है एच पाइलोरी किट वहाँ पर तैयार होती है, जो अल्सर में मैक्सिमम काम करता है, हेलिकोबैक्टर को वो किल करता है फ्रेंड्स। तो एमोक्सिलिन उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। एच पाइलोरी किट के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, बट उसका शॉर्ट एक तुमको इन्फॉर्मेशन अभी मैंने दे दिया है फ्रेंड्स। तो एमोक्सिलिन जो है ये इमेंस और ह्यूज रिस्पॉन्स से काम करता है फ्रेंड्स। जैसे एमोक्सिलिन कैप्सूल है, वैसे एमोक्सिलिन के टैबलेट भी मिलते हैं। जैसे एलमॉक्स मैंने नाम बताया कैप्सूल का, वैसा ही इसका मार्केट में नोवामॉक्स मिलता है, और दूसरा और सारे बहुत सारे ब्रांड इसके कैप्सूल के मिलते हैं। एमोक्सिलिन जैसा है वैसा ही एम्पिसिलिन भी है, एम्पिक्लॉक्स नाम का एक कैप्सूल मिलता है फ्रेंड्स, जिसमें एम्पिसिलिन प्लस क्लॉक्सिसिलिन ऐसे कंटेंट है फ्रेंड्स। तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एंटीबायोटिक है, और उसका भी रोल बहुत अच्छा है। और ये एमोक्सिलिन जो है, अगर आपको किसी प्रकार का मार लगा है, इंजुरी है, फिर बाद में एब्रेजन है, इंसीजन है, उस प्रकार में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एमोक्सिलिन के साथ अगर क्लेवलोनिक एसिड ऐड की जाए, जिसको मैंने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ग्रुप बताया था, क्लेवलोनिक एसिड अगर हम पेनिसिलिन ग्रुप को रेजिस्टेंट आता है, तो उसमें जब हम क्लेवलोनिक एसिड वापरते हैं बीटा लैक्टम एंजाइम को, रेजिस्टेंट को दूर करने के लिए, तो एमोक्सिलिन प्लस क्लेवलोनिक एसिड 625 mg या 375 mg का जो टैबलेट मार्केट में मिलता है, जैसा कि एक मैनकाइंड का ब्रांड का मॉक्सिकैंड CV नाम का टैबलेट है 625 mg का, ये टैबलेट फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी है, फिनामिनल रिजल्ट है। वैसा ही मॉक्सिकैंड CV का 1 ग्राम का भी टैबलेट मिलता है फ्रेंड्स, वैसा ही उसका 200 mg का मिलता है, 375 mg का मिलता है, 625 mg का मिलता है, 1 ग्राम का टैबलेट मिलता है।
ऐसे ही एमोक्सिलिन के बारे में मैं बताया अभी, तो उसका इंजेक्शन फॉर्म में भी मिलता है, जैसा कि एडवेंट है, क्लेवम है, ऐसे बहुत से इंजेक्शन फॉर्म में मिलते हैं। बट इंजेक्शन का जो डोज है एडल्ट में वो 1.2 ग्राम है, और वो बीडी या टीआईडी दो से तीन बार दिया जा सकता है। प्लस जो पेडियाट्रिक है उसमें 625 है, और जो इन्फेंट है उसमें 375 एमजी का हम इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। पेडियाट्रिक में सिरप के फॉर्म में भी एमोक्सिलिन अवेलेबल है और ड्रॉप के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो होप दोस्तों ये एमोक्सिलिन एलमॉक्स कैप्सूल का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप बेझिझक आपको फीवर है, कौन सा भी फीवर रहें दो, आपको मलेरियल फीवर रहें दो या टाइफाइड का फीवर रहें दो, उस कंडीशन में भी, फीवर के कंडीशन में भी ये एलमॉक्स कैप्सूल बहुत अच्छा ही काम करता है। और कभी भी आपको एक बात मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी तकलीफ है, फीवर है, कफ है, चिल्स है, राइनाइटिस है, अल्सर है, इंजरी है, हर टाइम आपको पेन किलर्स एंटासिड के साथ एंटीबायोटिक लेना बहुत ज़रूरी है। तो होप दोस्तों ये आपकी जानकारी अच्छी लगेगी, अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमारे वीडियोस को ज़रूर करिए। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमने व्हाट्सअप ग्रुप स्टार्ट किया है, जिसमें आप डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन व्हाट्सअप पे भी हमें पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, उसको फॉलो करके मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।